गाड़ी चलाते चलाते के, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसको इस तरह से इसका बैलेंस कर घुमाया गया है। और तीसरे ने कहा कि क्योंकि विक्रम ऑलरेडी वहां है तो वो भी एक हमारे लिए अब केवल ये बाहर वहां से और निकल आया है जैसे कि, और ये अगले में वहां पहुंचेगा। एक और बात है सर, अमूमन ऐसा होता है कि जहां किसी ने डाइव मारी और साफ रह गया या किसी ने लैंडिंग की, हम लोग उसी जगह को चुनते हैं कि भाई तुम तो वहां लैंड करके हम भी वहीं चले जाते हैं। पर हमने कहा नहीं, हम वहां जाएंगे जहां आज तक कोई नहीं गया। एटकिंस बेसिन हमने चुना है, वो भी साउथ पोल में, ये चांद के। ठीक कह रहे हैं, ये भी एक कारण है कि सारी दुनिया की निगाहें इस पर है, क्योंकि जो यहाँ से इनपुट्स आएंगी, जो यहाँ से चित्र, जहाँ से इन्फ्रेंसेस ड्रॉ होंगी, वो ना केवल भारत के लिए बल्कि सभी देशों के लिए पहली बार इस प्रकार की जानकारी पर्याप्त उनके लिए उपलब्ध की जाएगी। और साउथ पोल का ये भी महत्व है कि चूंकि वहाँ क्रेटर्स हैं, पानी के वहाँ उपस्थिति ज्यादा मात्रा में होने की संभावना है, तो उससे कुछ हाइड्रोजन को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के जो हमारे प्रयोग होंगे, तो जी कहीं ना कहीं मानव जीवन की संभावना के साथ भी प्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ संबंध रखते हैं। तो ये एक बहुत एक बड़ा दिलचस्प एक आगे का जो हमारा सफर रहेगा, बड़ा दिलचस्प रहेगा। सर, जब पहली बार गए थे तब हमने बर्फ दिखा दी, अब की बार क्या कहेंगे दुनिया को? चीयर्स चांद पर से। सर हेलो सर पहली बार जब गए थे, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है सर, पिछली जी बार तो हमने दुनिया को बताया कि चांद पे बर्फ है, तो जी जी अब की बार क्या बताने का इरादा है? कोशिश है कि ये दिखाएं कि वहां पर झील सुहावनी थी। और दूसरा ये है, जी एक बड़ी रोचक बात छोटी कि जी हालांकि सबसे पहली बार चांद की धरती पर मानव उतारने वाला देश था अमेरिका, हाँ नील आर्मस्ट्रांग, सन 1969 में, और जी वहां वो टहल करके आए थे, उसकी फिल्म भी बनाई गई थी तब, लेकिन उन्होंने नहीं देखा। तो हमारे चंद्रयान को वो दृश्य दिखाई देते हैं जो दूसरे वो देशों से गए हुए मानव को भी दिखाई नहीं देते। तो दिखाई नहीं ये दे एक तरह की भारत की मूल क्षमता का भी एक प्रमाण है। जी बिल्कुल। तो पर सर ये 23 तारीख को उम्मीद है कि 24 को उम्मीद है सर? नहीं, 23 को लगभग अभी समय भी तय किया गया है, 5:30 या 35 मिनट के भीतर, अगर लास्ट मिनट कोई शेड्यूल में तब्दीली हो तो वो दूसरी बात है, लेकिन अभी तक वही तय है। जी आप तो इसरो के सारे टॉप लीडर्स का, जो साइंटिस्ट हैं, उनसे संपर्क में हैं, तो उनकी जी तरफ से क्या अब तक जो कुछ हुआ है बिल्कुल एकदम प्रेसिशन की तरफ हुआ है, थोड़ा भी डिविएशन नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और जो कि हमारे जितने भी फॉर्मर चेयरमैन हैं, डॉक्टर के राधा कृष्ण, डॉक्टर किरण कुमार, सब मिलजुल करके, इसरो की ये खासियत है कि ये एक परिवार की तरह काम करता है। जो लोग रिटायर हो जाते हैं वो भी इसका हिस्सा बने रहते हैं, और जो कोई महत्वपूर्ण कोई मिशन होता है तो वो सब अपना इनपुट मिलजुल कर करते हैं। लॉन्चिंग के टाइम भी वो सब मौजूद थे, आज सुबह भी मेरा सबके साथ संपर्क हुआ, उनको मैंने अपनी अपनी टिप्पणियां भी भेजने के लिए कहा। तो ये इसमें इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ना केवल प्रोफेशनल है बल्कि पैशनेट इन्वॉल्वमेंट है सबकी सब। और श्री हरिकोटा की एक और परंपरा है जो दर्शकों को सुनकर के शायद अच्छा भी लगेगा, कि जी वहां पर जब भी कोई लॉन्चिंग होती है उसके बाद, और फिर जब लॉन्चिंग सफल हो जाती है उसके बाद भी तिरुपति में जाकर के माथा टेका जाता है और एक हाँ लड्डू बांटा जाता है। जी, लेकिन एक और बात है कि अब श्रीहरिकोटा को भी जन सामान्य के लिए खोल दिया गया है, तो जिसकी वजह से देश भर में भी बिल्कुल एक उत्साह है, लहर है कि बिल्कुल आनंद, आपको आपको तो मालूम ही है, पिछली बार 1,000 मीडिया पर्सन श्री हरिकोटा के परिसर में थे, और वो हर जगह पूरा टहल रहे थे, हर जगह घूम रहे थे, दिख रहे थे। और ये वही श्री हरिकोटा है जहां पर के आज से 3-4 बरस पहले तक फाटक के अंदर झांकने तक ही इजाजत नहीं थी, फॉरबिडन एरिया था। ये तो सब मोदी जी का कमाल है कि किसी ने कभी इस बात का गुमान नहीं किया था, बल्कि लोग इस बात से समझौता कर चुके थे कि ये तो आउट ऑफ बाउंड ही रहेगा, जी लेकिन मोदी जी ने जिस प्रकार से अनेकों कई क्रांतिकारी आउट ऑफ बॉक्स निर्णय लिए हैं, इन 9-10 वर्षों के उनके कार्यकाल का एक बहुत बड़ा हॉलमार्क ये भी रहेगा कि स्पेस इंडिया स्पेस अनलॉक्ड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो 23 तारीख को क्या हम उम्मीद करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्यक्ष होंगे वहां पर जैसा पिछली बार थे? अभी तक उस बारे में लेकर के कोई आखिरी निर्णय नहीं हुआ है, जैसे होगा तो आने वाले दिनों में वो बात साझा कर दीजिए।
जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और इसरो को भी बहुत ज्यादा मुबारकबाद, साधुवाद, कंग्रेचुलेशन सर। धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू।